इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और हमारा पिछला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। आज हम अपने नेक्स्ट बड़े प्रोजेक्ट की ओर बढ़ेंगे, दैट इज़ दामोदर वैली कॉरपोरेशन। जैसे वहाँ पर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड था मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, तो वहाँ बोर्ड था, यहाँ कॉरपोरेशन है। वो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड था BBMB, ये DVC है, दामोदर वैली की कॉरपोरेशन। दामोदर वैली कॉरपोरेशन के तहत ही सारी चीज़ें आगे आगे होंगी। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ें उसके पहले ऑथर ने इसे कवर कराने के लिए किताब में कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। पहले वो इंट्रोडक्शन देंगे रिवर की, फिर वो क्लाइमेट, फिर वो हाइड्रोलॉजी एंड वाटर पावर डेवलपमेंट पर बात करेंगे, फिर वो प्रोजेक्ट की ओर बढ़ेंगे जिसमें वो अलग अलग डैम्स के बारे में आपको बताएंगे, उसके अलावा इस इलाके में होने वाले काम, और फिर इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट कोल फील्ड एंड थर्मल पावर डेवलपमेंट्स और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फिर ये टॉपिक जा करके सारा कंप्लीट होगा। ओके, सो इट्स अ बिग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीज़ें कवर करेगा ये, तो हम भी उसी तरह से आगे बढ़ेंगे जैसा ऑथर ने बढ़ाया। शुरुआत करते हैं दामोदर नदी से। ओके, देखिए दामोदर इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स में फ्लो करने वाली एक रिवर है। पहला सवाल, दामोदर कहाँ से निकलती है? दामोदर झारखंड राज्य में छोटा नागपुर का जो प्लेच्यू है उसमें जो पालामू की पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। सो पालामू हिल्स ऑफ द छोटा नागपुर प्लेच्यू में से दामोदर निकलती है। ओके, ये झारखंड राज्य में है। छोटा नागपुर एक प्लेच्यू है, इट्स अ प्लेच्यू। पालामू उसमें एक बनी हुई पहाड़ी है, द हिल, और उससे निकलती है नदी दामोदर। झारखंड से निकलने के बाद ये ईस्ट की तरफ बहेगी और ये वेस्ट बंगाल में जाएगी, तो ये वेस्ट से ईस्ट फ्लो होने वाली एक नदी है। इसका वेस्ट टू ईस्ट इस तरह से फ्लो होता है और वेस्ट बंगाल में जाकर के ये बे ऑफ बंगाल में या सागर में नहीं मिलेगी, ये हुगली नदी से मिलेगी। और वेस्ट बंगाल में हम गंगा को ही पहले भागीरथी और फिर हुगली कहते हैं, तो इस तरह से ये एक तरह से गंगा से ही मिल जाएगी, लेकिन स्पेसिफिकली दामोदर नदी हुगली नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये हुगली से मिलेगी जाकर के, सीधे सागर में नहीं जाएगी। कोलकाता से 50 किलोमीटर अबव ही ये हुगली नदी से मिल जाती है जाकर के। टोटल 541 किलोमीटर की है, 270 किलोमीटर स्ट्रेच इसका झारखंड में है, 271 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में, 541 किलोमीटर की है, वेस्ट से ईस्ट फ्लो करती है। दामोदर रिवर जिस वैली में फ़्लो करती है, जो उसकी वैली है, वो वैली रिफ्ट वैली है, तो इट इज़ अ रिफ्ट वैली रिवर। रिफ्ट वैली क्या होगी कि जैसे सपोज़ कीजिए तीन ब्लॉक है लैंड के, और सेंटर वाला ब्लॉक डाउन थ्रस्ट हो गया, सिंक कर गया, नीचे बैठ गया, तो जो साइड के दो ब्लॉक्स हैं वो वहीं खड़े हैं, बीच वाला ब्लॉक नीचे बैठ गया, तो एक तरह की एक संकेन वैली, एक सिंक कर गया लैंड क्रिएट होगा। ये जो सारा प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को फॉल्टिंग का प्रोसेस कहते हैं, दिस इज़ फॉल्टिंग। ज्योग्राफी में जो बीच का लैंड है वो फॉल्ट कर गया, नीचे धस गया, तो ये वैली बन गई, एंड दिस इज़ फॉल्ट वैली। तो फॉल्टिंग के प्रोसेस से बनी है, तो एक तरह से जो लैंडस्केप है उसमें एक लैंडस्केप में एक बड़ा सा गैप क्रिएट हो गया है, दरार क्रिएट हो गई है, एंड दैट दरार इज़ रिफ्ट, और अब वो वैली बन गई, तो इट इज़ अ रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली में फ़्लो करती है ये, इतनी बात क्लियर हुई है? तो चलिए एक एक करके चीज़ें जो बोर्ड पर लिखी हैं हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, बोकारो इसकी सहायक नदी है,
कोनार इसकी सहायक नदी है। इन्हीं पर डैम्स भी बने हुए हैं इम्पोर्टेंट, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बराकड़ इसकी नदी सहायक नदी है, तो कोनार, बोकारो, बराकड़ ऐसी नदियाँ इसके साथ जुड़ती हैं। ओके, सो दामोदर वैली कॉरपोरेशन वेरी इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आफ्टर द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। दामोदर वैली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में कहा जाता है कि ये इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, 1948 में शुरू हुआ। आगे जाके लिखेंगे हम ये। सो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ये। ओके, सो दामोदर रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द हुगली रिवर। तो अब हमें क्लियर हो गया है गगन, दामोदर नदी क्या कहीं सागर में जाती है? कहाँ जाती है बेटे? हुगली नदी में जाती है। हुगली को ज़रा हल्के में मत लो, मुँह में ही बोलिए हुगली, थोड़े दिनों में भूल जाएगी बेटे। तो हुगली, इट फ्लोज वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन थ्रू झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट ईस्ट इसकी ओरिएंटेशन है और झारखंड और वेस्ट बंगाल दो राज्यों की नदी है ये। इसका सोर्स है पालामाऊ हिल्स, छोटा नागपुर प्लेच्यू, झारखंड। इसकी लेंथ है 541 किलोमीटर, 270 किलोमीटर इन झारखंड एंड 271 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल। इन इट्स अपर रीचेस इट इज़ नोन एज देव नदी। अपने ऊपर के एरिया में जो इसका शुरुआती स्ट्रेच है, इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर, इसको हम देव नदी या लोकल भाषा में देव को देव कह देते हैं, तो इसको देव नदी कहते हैं। जैसे झारखंड में ही एक जगह है जैसीडी, उसके पास ही बैजनाथ धाम है जिसको लोग देवघर भी कह देते हैं। तो देवघर या बाबा धाम या बैजनाथ धाम वहीं लोकेटेड है। सो देव इन द झारखंड बिहार बंगाल, देव वर्ड को हमेशा जैसे हिमाचल में कहेंगे देवभूमि, वहाँ कहेंगे देवभूमि, तो देव से देव हो जाता है। तो दामोदर नदी को ही भारत में देव नदी भी कहते हैं। अपने शुरुआती कोर्सेज में ये देव नदी कहलाती है। ओके, इट ड्रेन्स, अब ये झारखंड के कौन कौन से ज़िले हैं जिनसे ये बहती है? रांची, हजारीबाग, धनबाद, संथाल परगना, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड के जहाँ से ये गुज़रती है। वेस्ट बंगाल में बांकुड़ा और वर्धमान डिस्ट्रिक्ट, जिसे बर्धमान कहते हैं अब, तो बांकुड़ा बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। ओके, इट जॉइंस हुगली रिवर अबाउट 50 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम फ्रॉम कोलकाता। बोकारो, बराकड़, कोनार आर इट्स इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, ये इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। बोकारो नदी, कोनार नदी, बराकड़ नदी, ये सारी जगहें भी हैं। बराकड़ जगह है, मैं घूमा हुआ हूँ काफ़ी, क्योंकि बंगाल की मेरी पृष्ठभूमि रही है। बोकारो झारखंड में स्टील प्लांट भी है बहुत बड़ा, और बोकारो एक बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे स्थान है। इसी तरह से कोनार, ये सारे इलाके भी हैं, नदियाँ भी हैं, इलाके भी हैं, याद रखिएगा। ओके, तो दैट इज़ अ थिंग। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ नदी के बारे में। मैं आपको इमेज दिखा करके थोड़ा नदी से जानकार करा देना चाहता हूँ कि आप देख लें नदी कैसे बहती है, क्या करती है। देखिए, इसी में सारे डैम्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बड़ा मैप भारत का दिया गया है, और भारत के उस मैप में दिखाया गया है कि ये रीजन दामोदर नदी के द्वारा कवर होता है, जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। अब हम उसी रीजन को बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, एक सडन साउथवर्ड बेंड करती है रिवर। इस पॉइंट पर सडनली साउथवर्ड बेंड होता है, ये वेस्ट बंगाल में ही हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको दामोदर नदी, ये दिस वन इज़ द दामोदर रिवर सीधे जाएगी इस तरह से। दामोदर नदी पर ही दुर्गापुर बैराज आ जाएगा, पंचेत डैम आ जाएगा, उसके अलावा ये बाकी इसकी सारी सहायक नदियाँ। जब हम डैम्स पे बात करेंगे तो हम इन पे बात करेंगे कि तिलैया डैम किस नदी पर है, माइथन डैम किस नदी पर है, कोनार डैम, तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, तो इस तरह से नदी वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो कर रही है, तो वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पर भी वही दिखाया गया है,
सडनली यहाँ पर आकर के साउथवर्ड बेंड आता है, ओके, तो इट इज़ फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट, ओके। अब हम थोड़ा सा इसकी फिज़िकल सेटिंग के बारे में समझें, जिससे आपको क्लियर होगा कि इसे सॉरो ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्लड बहुत आते हैं। इसी कारण से ज़रूरत महसूस हुई कि इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में बदलने की ज़रूरत है, और उसके लिए जो अप्रोच अपनानी है, प्रोजेक्ट लाना है, वो वैली अप्रोच करना है, वैली को पूरी को अप्रोच करना है, तो पूरी दामोदर की वैली को अप्रोच करना होगा एक कॉरपोरेशन बना करके। ये सारे विचार इसलिए आए क्योंकि दामोदर से बहुत नुकसान होते थे। क्यों होते थे? उसका कारण इन चीज़ों में है, इसकी फिज़िकल सेटिंग में उसका जवाब है, और इसकी हाइड्रोलॉजी एंड वाटर पावर डेवलपमेंट में इसका जवाब है, हम अभी समझेंगे। तो क्या कहा गया है फिज़िकल सेटिंग में? दामोदर वैली रन्स थ्रू द मिडल ऑफ छोटा नागपुर प्लेच्यू इन झारखंड। छोटा नागपुर प्लेच्यू के बीच से गुजरती है झारखंड में। कैसे गुजरती है? छोटा नागपुर प्लेच्यू में रिफ्ट वैली बनी हुई है। देर इज़ अ रिफ्ट वैली, एक डाउन थ्रस्टिंग हुई हुई है, फॉल्टिंग हुई हुई है, और उस धसे हुए इलाके से नदी बहती है। प्लेच्यू रीजन है, इट इज़ लाइक अ केक, जैसे केक होता है, उस केक में बीच में से एक स्लाइस काट के आप निकाल लो, तो पूरे केक के सरफेस में जैसे एक पॉइंट पर जहाँ से आपने स्लाइस निकाल ली है, वहाँ पे ऐसा लगेगा फॉल्ट क्रिएट हो गया है, डाउन थ्रस्टिंग हो गई है। तो उधर से आपने अगर दूसरी तरफ से केक के पानी भेजा इधर, तो सिर्फ उसी एरिया से पानी गुजरेगा जहाँ से केक की स्लाइस निकाल ली आपने। तो रिवर गुजर रही है अब, तो वो रिवर वैली हो गई। और एक बड़े से प्लेच्यू में वो वैली कैसे क्रिएट हुई? विद द डाउन थ्रस्टिंग, मतलब वो है क्या, दैट इज़ फॉल्टिंग। तो रिफ्ट क्रिएट हुई है, रिफ्ट वैली में फ्लो करती है ये। सो दामोदर वैली रन्स थ्रू द मिडल ऑफ छोटा नागपुर प्लेच्यू इन झारखंड। इट लाइज बिटवीन द प्लेच्यूज ऑफ छोटा नागपुर एंड हजारीबाग इन द नॉर्थ एंड रांची इन द साउथ। तो जो दामोदर वैली है उसके नॉर्थ में हजारीबाग प्लेच्यू है, छोटा नागपुर प्लेच्यू है, और उसके साउथ में रांची प्लेच्यू है। मैं अभी आपको बताता हूँ। तो क्योंकि कोई चीज़ किसी के मिडल में फ़्लो कर रही है, इफ़ समथिंग इज़ फ्लोइंग इनटू द मिडल, सपोज़ कीजिए कि कोई, सपोज़ कीजिए कि दिस इज़ हजारीबाग प्लेच्यू, सपोज़ कीजिए कि दिस वन इज़ द छोटा नागपुर प्लेच्यू, और सपोज़ कीजिए कि दिस वन इज़ द रांची प्लेच्यू। तो ऐसे में अगर इसके मिडल से ये फ्लो कर रही है नदी, तो फिर नदी की वैली जो है उसके नॉर्थ में छोटा नागपुर प्लेच्यू भी है और हजारीबाग प्लेच्यू भी है, और उसके साउथ में है रांची प्लेच्यू। इस तरह से ये मीनिंग लिखा गया है, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको एक इमेज मैंने ढूंढ के रखी है, उसके बाद ये पॉइंट दिखाता हूँ, समझाता हूँ। सबसे पहले हम जो इतनी देर से बात कर रहे हैं, आप पहले उसे देखिए कि छोटा नागपुर प्लेच्यू किस एरिया को कवर कर रहा है। तो भारत में ये रीजन इज़ कवर्ड बाय द छोटा नागपुर प्लेच्यू एरिया। हम इसकी एक और इमेज आपको दिखाते हैं। तो जब हम इंडिया को पढ़ते हैं, तो हम इंडिया के जो ये ब्राउन पॉइंट है यहाँ पर, ब्राउन सा, यहाँ से लेकर के ये वेस्ट तक, यहाँ से ये साउथ तक, यहाँ से फिर ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तक, ये जो पूरा ब्लॉक है, हम इसे पेनिनजुलर इंडिया के ब्लॉक के रूप में पढ़ते हैं, द पेनिनजुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया। और उसमें फिर हम अलग अलग प्लेच्यूज़ को पढ़ते हैं। तो पेनिनजुलर प्लेच्यू में हम कई प्लेच्यूज़ को स्टडी करते हैं। जैसे अगर देखें तो आप यहाँ से शुरू हो जाइए, दिस वन, दिस डार्क रेड कलर, इट इज़ द मालवा प्लेच्यू। उसके ईस्ट में ही यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मालवा प्लेच्यू के ईस्ट में यहाँ पर, इट इज़ द बुंदेलखंड प्लेच्यू। फिर उसके और ईस्ट में ये वाला, इट इज़ द बघेलखंड प्लेच्यू। जो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो बघेलखंड है। हम थोड़ा और आगे गए तो यहाँ पर आ गया छोटा नागपुर प्लेच्यू। तो मालवा प्लेच्यू, बुंदेलखंड प्लेच्यू, बघेलखंड प्लेच्यू, छोटा नागपुर प्लेच्यू, इसी तरह से ये दंडकारण्य का प्लेच्यू, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी इलाका, दंडकारण्य ट्रैप प्लेच्यू, ये पूरा का पूरा जो है, दिस वन इज़ द, ये डेक्कन ट्रैप है। ट्रैप कैसे बनता है, हमने फिज़िकल फंडामेंटल ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी के लेक्चर में देखा था, जब बेसिक लावा फ्लो करता है
तो डेकन ट्रैप सिस्टम क्रिएट होता है, और ये यहाँ पर आपको देखेगा, दिस वन इज़ द तेलंगाना प्लेच्यू। ये लंबा सा ये तेलंगाना प्लेच्यू है, कृष्णा नदी गोदावरी नदी उसमें से गुजरती है, और दिस वन ये सारा का सारा ये कर्नाटक प्लेच्यू है। बाबा बुडन की पहाड़ियाँ इसी में ही हैं जहाँ पे कॉफ़ी के बीन्स उगाए गए थे। ओके, सो दिस वन इज़ द कर्नाटका प्लेच्यू, दिस इज़ तेलंगाना प्लेच्यू, द डेकन ट्रैप, दिस वन इज़ द दंडकारण्य प्लेच्यू, दिस इज़ द छोटा नागपुर प्लेच्यू, और ये वाला दिस इज़ द शिलोंग प्लेच्यू। तो मतलब मेघालय भी जो है वो पेनिनसुलर प्लेच्यू का हिस्सा है। तो यहाँ पर हम इस छोटा नागपुर प्लेच्यू की बात कर रहे हैं। अब इसी का एक और जूम व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर देखिए वो सारे प्लेच्यू यहाँ भी बताए गए हैं बहुत अच्छे से। अब इसी में हम आगे इसको छोटा करें, बड़ा करें, तो छोटा नागपुर प्लेच्यू है। छोटा नागपुर प्लेच्यू के उत्तरी हिस्से में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, द राजमहल हिल्स, और इसके दक्षिणी हिस्से में गर्जट की पहाड़ियाँ हैं, तो गर्जट हिल्स एंड द राजमहल हिल्स। ये छोटा नागपुर प्लेच्यू के उत्तर में राजमहल की पहाड़ियाँ और दक्षिण में गर्जत की पहाड़ियाँ हैं। अब इसी छोटा नागपुर प्लेच्यू को यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ये देखिए ये जो ऑरेंज कलर का सारा है, दिस वन इज़ द हज़ारीबाग प्लेच्यू। ये जो पर्पल कलर का सारा है, दिस इज़ द छोटा नागपुर प्लेच्यू। ये येलो कलर का सारा है, दिस इज़ द रांची प्लेच्यू। तो यहाँ से बहती है दामोदर, तो उसके नॉर्थ में बचा हुआ सारा छोटा नागपुर प्लेच्यू और हज़ारीबाग प्लेच्यू है, और उसके साउथ में है रांची प्लेच्यू। ओके, वही चीज़ वहाँ पर लिखी गई है, बताई गई है। इज़ दैट क्लियर? सो दामोदर वैली रन्स थ्रू द मिडल ऑफ छोटा नागपुर प्लेच्यू इन झारखंड। इट लाइज बिटवीन द प्लेच्यूज ऑफ छोटा नागपुर एंड हज़ारीबाग इन द नॉर्थ एंड रांची इन द साउथ। द दामोदर वैली इज़ अ रिफ्ट वैली दैट इज़ अ संकन ट्रफ बाउंडेड बाय ब्रोकन एंड टिल्टेड एजेस ऑफ द प्लेच्यूज। हाँ, बाउंडेड बाय ब्रोकन एंड टिल्टेड एजेस ऑफ द प्लेच्यूज का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझो। देखिए जब भी कोई एंडोजेनेटिक फोर्सेज वर्क करेंगी तो डेफिनेटली जो लैंड है उसमें हलचल पैदा होगी। लैंड में हलचल पैदा हुई तो एक ब्लॉक नीचे की तरफ धस गया, पर जो सराउंडिंग ब्लॉक्स बच गए हैं, सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स वहाँ पर भी फेस की गई होंगी। तो हुआ क्या है, अब सेंटर में तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि इस तरह से रॉक्स अलाइंड ऑर्गेनाइज्ड है नीचे से टॉप की तरफ, ठीक है, और इन रॉक्स में से एक ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक जो है नीचे की तरफ धस गया है, नीचे की तरफ धस गया है, ठीक है। तो अब सिस्टम क्या बन गया है, ये एक सरफेस हो गया, ये एक सरफेस हो गया, और ये एक सरफेस हो गया। इन दोनों सरफेस से ये सरफेस तो डाउन लेवल पे है, तो ये तो जो बन गई, ये तो बन गई दिस वन इज़ द वैली, ठीक है, द रिफ्ट वैली। लेकिन ये जो ब्लॉक्स थे और एक ब्लॉक नीचे धस गया, ये जो रॉक्स अरेंज थी इस तरह से, ये रॉक्स तो एब्रप्टली ब्रेक हो गई ना, जहाँ से एक ब्लॉक नीचे की तरफ गया, है ना। तो जैसे आपके सामने टेबल पड़ा है लकड़ी के फट्टों का, तो आप उस टेबल को तोड़ दे अगर कुंफू कराटे की मदद से, तो जो ब्लॉक टूट जाएगा वो तो टूट जाएगा, लेकिन वो जो टूटा है हिस्सा वो एक बड़े प्लैंक का पार्ट था, तो प्लैंक के जो एजेस बचे रह जाएंगे, सेंटर वाली फट्टी तो उड़ा दी आपने, लेकिन जो बचे हुए एंड हैं ब्रोकन हैं, बहुत ही तीखे हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से जो वैली है, उस वैली के उस तरफ नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड साइड में वैली तो फ्लो कर रही है जो डाउन थ्रस्ट हो गया है, उसके नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड साइड में जो वैली को बॉर्डर कर रहे हैं वो प्लेच्यूज़ हैं। तो वैली के सराउंडिंग में जो प्लेच्यूज़ हैं उनकी जो एजेस हैं वो एजेस बहुत ही ब्रोकन हैं, टूटी टूटी सी महसूस होती है और टिल्टेड टिल्टेड सी फील होती हैं। ओके, टूटी टूटी सी और टिल्टेड टिल्टेड सी फील होती हैं।
ऐसा लगता है जैसे कि जब आपने वो बड़े से लकड़ी के टेबल के फट्टे जिसमें लगे हुए थे एक फट्टा तोड़ा है, तो वो फट्टा एक लार्जर फट्टे का पार्ट था, वो फट्टे के दो एंड तो रह गए, बीच वाला तो आपने तोड़ ही दिया, तो जो बचे हुए एजेस हैं वो ऊपर की ओर थोड़े से उठे हुए हैं और ब्रोकन हैं। ओके, उठे हुए हैं, ब्रोकन हैं। जैसे आपने वो एडवर्टीजमेंट, मान लीजिए कि आपके हाथ में एक चॉकलेट है और आपने चॉकलेट को ऐसे तोड़ा, तो चॉकलेट तो सेंटर से टूट गई, तो जब चॉकलेट टूटी तो उसके ये जो एंड हैं दोनों ब्रोकन हैं और थोड़े टिल्टेड हैं, बीच में तो गैप ही आ गया। तो इसी तरह से एक वैली बन गई है और एक कंबाइंड ब्लॉक था पहले, उसका एक हिस्सा सन्क हो गया, तो एजेस जो हैं उस प्लेचू के ब्रोकन एंड टिल्टेड हैं, ब्रोकन एंड टिल्टेड हैं। इज़ दैट क्लियर? वहाँ से फ्लो कर रही है ये रिवर, तो इसका सराउंडिंग ऐसा दिखता है। सो वो लिखा हुआ है कि द दामोदर वैली इज़ अ रिफ्ट वैली बाउंडेड बाय ब्रोकन एंड टिल्टेड एजेस ऑफ द प्लेचूज एज देर आर सडन डिसेंट्स फ्रॉम वन लेवल ऑफ प्लेचू सरफेस टू द अदर द होल टोपोग्राफी ऑफ द सराउंडिंग एरिया हैज़ एन अनड्यूलेटिंग नेचर। अब ये जो रिवर फ्लो करती है, इस रिवर में क्या नज़र आ रहा है आपको? जो इस रिवर वैली का जितना भी सराउंडिंग रीजन है उसमें व्हाट यू विल नोटिस कि एक रिलीफ फीचर से दूसरे, मतलब एक हाइट से दूसरी हाइट तक, फिर तीसरी हाइट तक, फिर चौथी हाइट तक, तो देर विल बी सडन डिफरेंस ऑफ रिलीफ हाइट। आई बात समझ में? तो इसकी वजह से आपको क्या नज़र आएगा, जैसे सरफेस ऐसा नज़र आएगा जैसे रोलिंग टोपोग्राफी होती है। दिस इज़ लाइक द रोलिंग टोपोग्राफी इज़ लाइक दिस। आप कहीं खड़े होकर के देख रहे हैं तो आपके सामने जो रीजन है वो ऐसा दिख रहा है, पहले ये ऊंचाई, आगे नीचा, फिर ऊंचा, फिर नीचा, फिर ऊंचा, फिर नीचा, तो कुछ इस तरह से रोलिंग टोपोग्राफी होती है। इज़ दैट क्लियर? तो जो दामोदर वैली रीजन है वहाँ पे रोलिंग टोपोग्राफी है। रोलिंग टोपोग्राफी क्यों है? उन्होंने बताया है कि जो एक लेवल ऑफ प्लेचू सरफेस से दूसरे लेवल ऑफ प्लेचू सरफेस पे जाते ही ऊंचाइयां गिरती हैं, इसकी वजह से ऐसा नज़र आता है कि दिस सारा प्लेचू हमने क्रिएट किया। तो अब आप इस प्लेचू को ऐसा इमेजिन करिए कि आपने ये ओवरऑल एक प्लेचू रीजन है और इस प्लेचू रीजन में ये जो सरफेस है उसका वो इस तरह से है। ओके, द सरफेस ऑफ दैट प्लेचू रीजन इज़ लाइक दिस। बिल्कुल वैसा कि जैसे आपने कैडबरी चॉकलेट ले ली, तो कैडबरी चॉकलेट को एक साइड से देखेंगे तो उसका एक अंडरलाइंग बेस होता है जो स्ट्रेट होता है, लेकिन उसको उसके टॉप पे क्या होता है? अनड्यूलेटिंग फीचर। एक एक कैडबरी ब्लॉक से दूसरे तक जाने के बीच में फिर से ऊंचाई से नीचाई, फिर ऊंचाई, फिर नीचाई, फिर ऊंचाई, फिर नीचाई, तो उसको उंगली फेर करके अच्छे से देखो तो विल फील दैट कि एक अनड्यूलेटिंग फीचर शो कर रहा है, बट वो पूरा का पूरा कैडबरी चॉकलेट, पूरा का पूरा प्लेचू ब्लॉक है, इट्स अ कंप्लीट प्लेचू ब्लॉक, लेकिन उसको देखें अगर तो अनड्यूलेटिंग फीचर सरफेस नोटिस हो रहा है। सो ऑफ दैट प्लेचू द टोपोग्राफी इज दैट इज द सरफेस दैट वी सी। ओके, इट इज़ अनड्यूलेटिंग बिकॉज एक लेवल ऑफ प्लेचू से दूसरे लेवल ऑफ प्लेचू तक जाते जाते हाइट गिर रही है, फिर बढ़ रही है, फिर गिर रही है, फिर बढ़ रही है, इससे अनड्यूलेशंस क्रिएट होती हैं। इट इज़ लाइक दैट। ओके, तो बस वही है, आप कैडबरी को और मोटी चॉकलेट की तरह जैसे बार्स होती हैं उसके रूप में इमेजिन करो और उसका सरफेस खरबड़ा सा, दैट्स ऑल। तो वही वहाँ पर कहा गया है कि द दामोदर वैली इज अ रिफ्ट वैली बाउंडेड बाय ब्रोकन एंड टिल्टेड एजेस ऑफ द प्लेचूज एज देयर आर सडन डिसेंट्स फ्रॉम वन लेवल ऑफ प्लेचू सरफेस टू द अदर
द होल टोपोग्राफी ऑफ द सराउंडिंग एरिया हैज़ एन अनड्यूलेटिंग नेचर. द ब्रेक पॉइंट्स वेयर ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स जॉइन द मेन दामोदर रिवर हैव सूटेबल साइट्स फॉर पावर हाउसेस. ओके, तो जो ब्रेक पॉइंट्स हैं, ब्रेक पॉइंट्स वहीं पर जहाँ पर स्लोप ब्रेक हो रही है और ट्रिब्यूटरीज आकर के मेन रिवर से मिल रही हैं, वो ब्रेक पॉइंट्स बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पर आप पावर प्लांट लगाइए, टर्बाइन्स घुमाने के लिए इनफ फ्लो मिलेगा रिवर वाटर का, क्योंकि वहाँ पर पॉइंट्स फ्लो में जो ढलान में ब्रेक आ रही हैं, और दोज आर द ब्रेकिंग पॉइंट्स वेयर ट्रिब्यूटरी रिवर्स आर मीटिंग द मेन रिवर. क्योंकि मेन रिवर अगर सेंटर से बह रही है, सराउंडिंग रिवर अगर इधर उधर से आकर के उसमें मिल रही हैं, प्लेन एरिया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन प्लेच्यू रीजन है, और प्लेच्यू रीजन में अगर वही कैडबरी वाली चॉकलेट ले लें, तो कैडबरी वाली चॉकलेट में अगर मेन रिवर, वो जो दो कैडबरी ब्लॉक्स हैं उनके बीच में जो रिफ्ट है, मेन रिवर वहाँ से बह रही है और दोनों कैडबरी ब्लॉक से इधर उधर से नदियाँ आ रही हैं, तो वो नदियाँ जो मेन सेंटर में रिफ्ट पॉइंट है वहाँ से बहने वाली नदी से मिलने के लिए एक ऊंचाई से निचाई तक आएंगी फटाफट, तो दैट इज़ द ब्रेक पॉइंट, है कि नहीं. तो द ब्रेक पॉइंट्स आर द गुड पॉइंट्स जहाँ पर नदियाँ अच्छे खासे वेग के साथ गिरेंगी मेन नदी में, मिलेंगी मेन नदी में, तो वहाँ पर आप पावर प्लांट लगाइए, पॉइंट टर्बाइन घुमाने के लिए अच्छा खासा फ्लो मिलेगा आपको. सो द ब्रेक पॉइंट्स आर द गुड पॉइंट्स. ओके, सो एक कैडबरी ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, इस ब्लॉक से एक नदी आई और बीच में जो लाइनें लाइनें रहती हैं वो रिफ्ट वैली है, वहाँ पे दामोदर बह रही हैं, तो इस ब्लॉक से नदी आई और इस पॉइंट पे उससे मिलेगी, इस द ब्रेक पॉइंट. और यहीं पर अगर आप टनल बना करके पानी को चैनलाइज कर लें टर्बाइन के ऊपर, तो टर्बाइनें घूमेंगी. सो क्योंकि हमें अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी मिलती है इस रीजन में, इस अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी की वजह से एक रीजन से दूसरे रीजन में डिसेंट आता है, हाइट में गिरावट आती है, इसीलिए अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है. इस वजह से मेन जो नदी बढ़ेगी, सारे प्लेच्यू का ड्रेनेज इंक्लिनेशन तो उसी की तरफ रहेगा, सारे प्लेच्यू का ड्रेनेज अलाइनमेंट तो उसी नदी की तरफ रहेगा, पर सारा प्लेच्यू एक्चुअली है कैसा है, अनड्यूलेटिंग नेचर का है. तो अगर जहाँ कहीं से भी ऊँचे इलाके से नदी आकर के मेन नदी को पकड़ना चाहेगी, मिलना चाहेगी, तो जहाँ पर ऊँची इलाके से आने वाली नदी मेन नदी से आके मेल करेगी, वो ऊँचे इलाके से नीचे इलाके की तरफ आना होगा. वो पॉइंट पर अगर हम पावर प्लांट लगाएंगे, अच्छा खासा हमें पानी की वेलोसिटी मिलेगी, क्योंकि ग्रेडियंट का डिफरेंस वहाँ पर अच्छा खासा होगा, हाई से लो की तरफ नदी आएगी, हमें पानी की रफ्तार अच्छी मिलेगी, हम टर्बाइंस को रोटेट करा सकते हैं. तो इसलिए बताया गया है कि द अनड्यूलेटिंग नेचर ऑफ द दामोदर वैली इज़ ऑफरिंग मैनी गुड साइट्स ऑफ ब्रेक पॉइंट्स वेयर द ट्रिब्यूटरी रिवर्स आर मीटिंग द मेन रिवर्स एंड ऑन दोज ब्रेक पॉइंट्स यू कैन इंस्टॉल द पावर प्लांट्स द हाइड्रो पावर बेस्ड पावर प्लांट्स. सो देयर इज़ द रोल ऑफ द ब्यूटिफुल टोपोग्राफी ऑफ द वैली विच इज़ अनड्यूलेटिंग. दैट्स वाई द प्रपोजर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर दामोदर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट दे प्रपोज्ड दैट इफ वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द एरिया फ्रॉम दिस मिनेस ऑफ फ्लड वी नीड टू कंसीव द आइडिया बेस्ड ऑन द वैली सिस्टम वी हैव टू कवर होर वैली वी नीड टू कवर द बेनिफिट्स ऑफ द टोपोग्राफी विच इज़ अनड्यूलेटिंग ओनली देन वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर If we can install properly hydropower stations over there, we can hinder the flow of the water over there, and ultimately we can produce electricity for the purpose of the development of agriculture over there. And secondly, we can regulate the flow of water. तो अलग अलग जगह पर डैम्स बना के, रिजर्वायर बना के पानी के फ्लो को रेगुलेट किया जाएगा. ओके, दैट्स वाई इस रिवर प्रोजेक्ट में कई डैम्स इन्वॉल्व हैं. कोनार डैम है, तिलैया डैम है, माइथन डैम है, पंचेत डैम है, तेनूघाट डैम है, दुर्गापुर रिजर्वायर है, तमाम प्रोजेक्ट्स इसमें इंगेज हैं, क्योंकि एक पूरी बड़ी वैली को अप्रोच किया गया है उसके सारे फिजिकल फीचर्स के साथ. ओके, सो वही चीज़ वो समझाना चाह रहा है आपको ऑथर.
तो इसलिए उसने ये कहा है कि द ब्रेक पॉइंट्स वेयर ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स जॉइन द मेन दामोदर रिवर हैज़ सूटेबल साइट्स फॉर द पावर हाउसेज। द रेजिडुअल हिल्स ऑफ हार्ड रॉक्स लेफ्ट हेयर एंड देयर इन बेसिन हैव बीन जॉइंड टू कंस्ट्रक्ट डैम्स अक्रॉस द स्ट्रीम्स। देखिए द रेजिडुअल हिल्स ऑफ हार्ड रॉक्स, अब हमने ये देखा है ये पूरा का पूरा रीजन पार्ट है पेनिनसुलर प्लेचू एरिया का। तो ऐसे में हमने फिजिकल ज्योग्राफी में ये भी पढ़ा था कि जब मैग्मा से मूवमेंट स्टार्ट होती है अपवर्ड मैग्मा चैम्बर से, तो एट द पॉइंट व्हेन द मूवमेंट स्टार्ट्स वी हैव टू कॉल इट लावा। तो कई बारी वो ज़मीन के अंदर ही जम जाता है, कई बारी ज़मीन के बाहर आ पाता है।